वन संरक्षण या वनों का प्रबंधन प्रकृति में मानव और प्रकृति के बीच में निर्भरता होती है और एक दूसरे के सहयोग से प्रकृति व मानव के मध्य संतुलन होता है। इसमें विभिन्न पादप वर्ग बहुत धीरे धीरे परिवर्तन की प्रकृति से गुजरते हैं, परंतु मानव इस प्राकृतिक संतुलन को तीव्र गति से परिवर्तित करता है। मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए वनस्पति आवरण को हटाता है और उसके स्थान पर अपनी आवश्यकता के अनुरूप नए भूदृश्यों का निर्माण करता है। इसी निर्माण के फलस्वरूप प्रकृति में वन संसाधनों की मात्रा निरंतर घटने लगती है और वन विनाश प्रारंभ होने लगता है। मानव द्वारा शुरू की गई कृषि इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। जब मानव जंगलों को या वनों को काटकर उनके स्थान पर कृषि भूमि के रूप में उपयोग करता है, इसके साथ ही मानव पौधों की नस्लों के साथ कुछ ऐसे पौधों की नस्लें भी बोता है जो इतनी बलशाली होती है कि वे हमेशा के लिए छा जाती है और उस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति को हटाकर स्वयं अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है। मानव द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में केवल थोड़े से ही प्रदेश ऐसे हैं इसको दे रहा है और दूसरे को दे दे।
वन संरक्षण प्रकृति में मानव और निर्जीव जगत में आपस में निर्भरता रहती है और एक दूसरे के सहयोग से प्रकृति में एक संतुलन स्थापित होता है। इसमें विभिन्न जीव जगत के कारक सम्मिलित होते हैं, जिनमें वनस्पति जगत बहुत धीमे परिवर्तन के द्वारा अपना संतुलन स्थापित करते हैं, किंतु मानव इस प्राकृतिक संतुलन को बहुत ही तीव्र गति से असंतुलित करता है। वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करता है और इस उपयोग के फलस्वरूप प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिनमें सबसे अधिक प्राकृतिक कारकों में वनस्पति का ह्रास भूतल पर हुआ है। इसी ह्रास के फलस्वरूप प्राकृतिक असंतुलन या पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हुआ है, जिनमें वन विनाश सबसे महत्वपूर्ण है। मानव द्वारा शुरू की गई कृषि इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, जिसमें उसके द्वारा विभिन्न वन्य क्षेत्रों को काटकर उनके स्थान पर कृषि का उपयोग किया जाने लगा है। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे पौधों की नस्लों का विकास हुआ है, जिन्होंने मूल वनस्पति के स्थान पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति का विकास अधिक हुआ है और प्राकृतिक वनस्पति को हटाकर उसने स्वयं उस क्षेत्र में अपना कब्जा कर लिया है। इस प्रकार से प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होने लगा है। मानव द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में केवल थोड़े से ही प्रदेश ऐसे हैं जिनमें प्राकृतिक वनस्पति अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रह सकी है, वरना बहुत से प्रदेशों में तो वह पूर्णतः ही बदल गई है। मानव निवास के लिए प्राकृतिक वातावरण में कुछ रूपांतरण करना आवश्यक होता है, किंतु मानव ने अपनी परिवर्तनकारी क्रिया में आवश्यकता से आगे बढ़कर अतिरिक्त दोहन के फलस्वरूप यह प्राकृतिक संतुलन अत्यधिक रूप से बिगड़ गया है। आधुनिक सभ्यता की देन या आधुनिक विकास के कारण मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वनस्पति का विनाश हद से ज़्यादा किया है। मानव की विनाशकारी क्रियाओं में ये चार प्रकार की मुख्य विनाशकारी चीज़ें हैं, जिनमें डिफॉरेस्टेशन या वनों का काटना, ओवरग्रेजिंग या अत्यधिक पशुचारण, कृषि तथा पौधों की नई नस्लों का प्रवेश, हैबिटेशन या आवासों का निर्माण के लिए भूमि का उपयोग करना। इस प्रकार जब मानव प्राकृतिक संतुलन में उलटफेर कर देता है तो प्रकृति की वे विनाशकारी शक्तियां स्वतंत्र होती है, जिनको जीवधारी जगत रोके रहता है। तब मानव की अदूरदर्शिता के भयंकर दुष्परिणाम आते हैं और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, भूमि अपरदन, अपक्षय, बाढ़ और संसाधन अपक्षय के रूप में दिखाई देते हैं। मानव द्वारा वनस्पति के साथ किए जाने वाले क्रियाकलाप निम्न प्रकार से होते हैं, जिनमें पहला है प्रत्यक्ष क्रियाविधि, जैसे वन काटना, पशुचारण, आखेट तथा एकत्रीकरण। इसमें सबसे अधिक जो नुकसानदेह तत्व है वह है वनों का विनाश। उष्णकटिबंधीय उष्ण आर्द्र वनों की लकड़ी कठोर होती है, जो इमारतों, पुलों, रेलगाड़ी के डिब्बों, कैबिनेट तथा अन्य निर्माण के लिए काम में आती है। इन वृक्षों की नस्लें बहुत अधिक होती है,
इसलिए वृक्ष काटने में कठिनाई होती है, क्योंकि इनमें वनों की सघनता बहुत ज़्यादा होती है। परिवहन के साधन उनमें आसानी से नहीं जा पाते। इन लकड़ी के परिवहन में कठिनाई होती है तथा अधिक झाड़ झंगाड़ के कारण आना जाना मुश्किल से होता है। इनके अलावा जो मानसूनी वन होते हैं, उन वनों में मानव की पहुंच आसानी से होती है। इसी आसानी की पहुंच के कारण सबसे अधिक उपयोगी लकड़ी समशीतोष्ण पेटी के वनों की होती है। यह नरम लकड़ी होती है जिससे कागज़, लुगदी, रेयन आदि अनेक प्रकार के उद्योग चलते हैं। इन वनों में काटने की बहुत सुविधाएं हैं। वृक्षों की नस्लें कम होने से एक ही प्रकार के वृक्ष बड़ी संख्या में मिलते हैं। वृक्ष को काटने के लिए शीत ऋतु में कृषक मजदूर मिल जाते हैं, क्योंकि शीतकाल में फसलें नहीं होती है। काटे गए लट्ठों को बर्फ़ पर ट्रैक्टरों द्वारा घसीट लाते हैं या बर्फ़ पर डाल देते हैं, जिससे ग्रीष्म ऋतु में कारखानों तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी सोवियत संघ आदि में उपयोग में ली जाती है। मानव द्वारा विषुवतरेखीय वनों को काटने का उद्यम बहुत विकसित है, फिर भी विषुवतरेखीय वनों में इसकी मात्रा कम है। इन वनों में आबुनस, महोगनी, रोजवुड, लोहकास्ट, आइवरी वुड, कर्री और जरहा के वृक्षों की मांग रहती है। फिर भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे अनुकूल जलवायु का न होना, अनेक प्रकार के विषैले जीव जंतुओं का होना, मलेरिया, पित्त ज्वर आदि बीमारियां तथा विदेशी बाजारों की निकटता न होने के कारण यह वनस्पति अभी भी बची हुई है। वन विनाश का दूसरा कारण होता है पशुचारण, पॉस्चरिंग। घास के मैदानों में पशुचारण का काम प्रागैतिहासिक युगों से चला आ रहा है। सवाना, प्रेरी, स्टेपी, पंपाज, वेल्ड आदि पर पशुओं के लिए चारा आसानी से मिलता है। मानसूनी और उपोष्णकटिबंधीय वनों में घास तथा वृक्षों की पत्तियां पशुचारण के लिए उपयुक्त है तथा अत्यधिक पशुचारण के लिए उत्तरदायी है, जिससे बहुत से क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन होता है। पशुचारण चार प्रकार के प्रदेशों में है। सबसे पहले मुख्य घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय सवाना, कैंपास और लानोज, समशीतोष्णकटिबंधीय प्रेरीज, स्टेपीज, पंपाज, वेल्ड्स और डाउन्स है। अर्ध मरुस्थलीय और झाड़ीय क्षेत्र, टुंड्रा और पर्वत प्रदेशीय क्षेत्रों में पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति का बहुत अधिक विनाश हुआ है। इसके साथ ही मिट्टी अपरदन बड़े पैमाने पर होती है। आखेट तथा एकत्रीकरण, कुछ प्रदेशों में आखेट वर्तमान समय में भी होता है, जिससे वनस्पति जीव जंतुओं का विनाश हुआ है। मध्य अफ्रीका, श्रीलंका, बोर्नियो, न्यूगिनी, साइबेरिया, कनाडा के टेगा आदि में शिकार के कारण बहुत से जीव जंतुओं का जीवन संकट या रेड डाटा के रूप में आ गया है। उष्णकटिबंधीय जंगलों से लोग रबर, गोंद, छाल, गट्टा पारचा आदि के कारण वनों का बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा है। अन्य कुछ फल फूल जैसे ताड़ के फल, आइवरी नट, ब्राजील नट, केला आदि इकट्ठे किए जाते हैं। शीतोष्ण वनों से खुबानी, अखरोट, चिलगोंजा, हेजलनट आदि इकट्ठे होते किए जाते हैं। वहीं भूमध्य सागरीय वनों से कार्क, ओक, शीतल वनों से
चीड़ वृक्षों से रोजिन और तारपीन इकट्ठे किए जाते हैं। इन सभी आर्थिक क्रियाकलापों से वनों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता है। इस हस्तक्षेप के द्वारा जीव जंतुओं और वनस्पति की विभिन्न प्रजातियों पर संकट उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप उन्हें कई प्रकार से क्षति पहुंचाता है। अत्यधिक कृषि का उपयोग। मानव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण निकटवर्ती वन संसाधनों को काटकर कृषि फसलों तथा आवास के लिए भूमि का वनस्पति विहीन किया जाना आम प्रवृत्ति है। प्राकृतिक वनस्पति उन कृषि के खेतों में उग खड़ी होती है। मानव उस अनावश्यक वनस्पति को निरंतर हटाता है और जंगलों को जलाकर या साफ कर कृषि की जाती है। दो चार वर्ष कृषि करने के बाद उस भूमि को छोड़ देते हैं व दूसरे स्थान पर वन भूमि को साफ करके उस जगह कृषि का उपयोग वन भूमि को साफ करके किया जाता है, जिसे स्थानांतरण कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक वन विनाश संभव हुआ है और भूमि अपरदन या मिट्टी अपरदन की मात्रा निरंतर बढ़ती है, जिससे बाढ़, मिट्टी क्षालन, अपक्षालन और भूमि सर्पण जैसी क्रियाएं निरंतर देखने को मिलती है। औद्योगिक समायोजन या औद्योगिक क्रियाकलाप। वनों से प्राप्त हुई लकड़ी तथा अन्य वस्तुओं से विश्व में अनेक प्रकार के उद्योग चलते हैं। कागज, लुगदी, रेयन, दियासलाई, प्लास्टिक, रबर पेंट, वार्निश, लाख, फर्नीचर, कत्था, कैबिनेट, प्लाईवुड आदि का निर्माण उद्योग वनों के उत्पादन पर आधारित है, जिनके कच्चे माल वन क्षेत्रों से ही मिलते हैं। मानव द्वारा इन उपज को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर वनों का विनाश किया जाता है। लोहे और इस्पात के भी कुछ कारखाने शुरू में वनों की लकड़ी व ईंधन से चलते थे, जिनमें बड़े पैमाने पर लकड़ी का उपयोग होता है या लकड़ी के कोयले का उपयोग होता है। भारत में कर्नाटक राज्य का भद्रावती आयरन वर्क्स इसका उदाहरण था। ब्रिटेन में भी खनिज कोयले का प्रयोग मालूम होने से पहले लोहे को गलाने के लिए लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। जंगलों से प्राप्त हुई घासें, छाल, रेशे, फल, जड़ आदि झाड़ियों से बहुत तरह के औद्योगिक निर्माण हो रहे हैं। व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग। वनों से प्राप्त हुई सामग्री से अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ी मात्रा में होता है, विशेषकर अफ्रीकी देश और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे मलाया और इंडोनेशिया से रबड़ यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि को निर्यात की जाती है। बर्मा से सागवान लकड़ी, उष्णकटिबंधीय वनों की कठोर लकड़ी, समशीतोष्ण वनों की गर्म लकड़ी, मानसूनी वनों से लाख, कत्था, चमड़े के रंग, बांस, घास आदि, अर्धशुष्क वनों से गोंद, छाल इत्यादि पदार्थों का अन्य देशों को निर्यात होता है। सामान को ढोने के लिए नौका तथा छोटे जहाज भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। घास के मैदानों से पशुपालन से प्राप्त सामग्री का व्यापार होता है। मांस के पशु, ऊन, खाने, खाल तथा अन्य निर्मित पदार्थों का व्यापार विश्व के प्रत्येक देश में होता है। वनों से अनेक प्रकार के पशुओं की खालें, समूर और मांस प्राप्त होता है। इस प्रकार वनस्पति का अप्रत्यक्ष संबंध पशु जगत से होता है, जो
किसी न किसी रूप से वनस्पति आवरण को भूतल से मिटाने का कार्य करता है। इस संबंध में विभिन्न देशों द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सी नीतियों का निर्माण किया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी या श्रेणी के वनों का कैटेगराइजेशन किया गया है, जहां मानव के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध होता है। मानव के द्वारा इन आर्थिक क्रियाकलापों से भूतल पर प्राकृतिक वनस्पति के अनुपात में भारी कमी आई है। इस कारण वर्तमान समय में इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। पिछली कई शताब्दियों से मानव द्वारा वनों की कटाई अधिक मात्रा में होती रही है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वनों को काटकर कृषि के लिए भूमि साफ की जा रही है। मकान बनाने के लिए, पुलों और नावों के लिए, घरेलू और कारखानों के ईंधन के लिए, पशुपालन के लिए, औद्योगिक निर्माण के लिए प्रत्येक देश में वनों की अत्यधिक कटाई की जाने लगी है। इस कटाई के फलस्वरूप बहुत सारे दुष्प्रभाव मानव को देखने को मिल रहे हैं, जैसे वनों के अत्यधिक काटने से भूस्खलन और भूमि कटाव, मृदा अपरदन आदि तीव्र गति से हो रही है, जिससे निवास की भूमि निरंतर कम हो रही है तथा कृषि करने की भूमि की उपलब्धता निरंतर घट रही है। कृषि के उत्पादनों के लिए मिट्टियों की उपजाऊ शक्ति निरंतर घट रही है। बाढ़ों का आना बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का आना निरंतर बढ़ रहा है, जिससे जन धन की हानि होती है। बाढ़ों में मानवीय बस्तियों के बहने के साथ पशुधन और मानव की क्षति होती है। लकड़ी निर्माण उद्योगों में कागज़ की लुगदी, नकली रेशम, प्लास्टिक्स आदि के लिए कच्चे मालों की तरह प्रयोग में आती है, वह दिनों दिन कम होती जा रही है, जबकि इन कच्चे मालों की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वनों के द्वारा पृथ्वी की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक रहती है। वनों के अधिक कटने से मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं मिलती है। महामारी जैसे रोग बढ़ते हैं, इससे मानवीय स्वास्थ्य खराब होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने मानवीय जगत, जंतु जगत और वनस्पति जगत के लिए सहज जीवन संतुलन को नष्ट होता देखकर इन जीवधारी संसाधनों के समुचित विकास, संतुलन और संरक्षण पर बल देना शुरू किया है। वर्तमान समय में वंश वृक्ष विज्ञान का महत्व बढ़ रहा है और इसके विकास पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वन भूमियों को राष्ट्रों की सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्रों में लिया है और वनों का संरक्षण किया है। विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के वनों को बांटकर वृक्षों काटने की संख्या और वृक्षों की आयु आदि निश्चित करके वनों की कटाई पर नियंत्रित किया जा रहा है। पुनः वनारोपण या रीफॉरेस्टेशन पर बल दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के लिए अनुकूलतम वातावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वन रोपण या वनों की मात्रा, वन क्षेत्रफल बढ़ाने के विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि मानव द्वारा वनस्पति ह्रास को रोकने के लिए काम किया जा सके। UNO इस संबंध में अपनी भूमिका निरंतर बढ़ा रहा है, ताकि मानव द्वारा वनस्पति का ह्रास बढ़ने से रुका रहे और मानव समाज की आर्थिक उन्नति आवश्यक और पर्याप्त मात्रा में होती रहे। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी संसाधनों की संरक्षण की एक संकल्पना है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर विभिन्न देशों में
परियोजनाएं, योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संभव हो सके। इन सभी संसाधनों में मानव के प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति व जीवन से संबंधित होने के लिए वन संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है और मानव इस समय सबसे अधिक संकट इसी संसाधन की कमी के कारण भोग रहा है। आने वाले समय में भूताप में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, ओजोन के कुप्रभाव, भूस्खलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं तभी रोकी जा सकती है जब वन संसाधनों का संरक्षण संपूर्ण पृथ्वी पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।